गरीब और जरूरतमंद लोगों के जीवन में खुशियां भरने के उद्देश्य से दिवाली के एक दिन पहले सहारा बहुउद्देशीय संस्था और परी फाउंडेशन की ओर से गणेश टेकड़ी मंदिर और उसके आसपास के परिसर में रहने वाले लोगों के साथ दिवाली उत्सव मनाया गया। दीपावली यानी रोशनी का त्योहार, जहां गली मोहल्ले से लेकर घर आंगन रोशन रहते हैं। कुछ घर ऐसे होते हैं जहां दीपों की रोशनी नहीं पहुंचती और दीपावली की रौनक फीकी लगने लगती है। ऐसे जरूरतमंद गरीब परिवारों, बेघर लोगों की मदद करने और उनकी अंधेरी दुनिया को रोशन करने के उद्देश्य से सहारा बहुउद्देशीय संस्था और परी फाउंडेशन की ओर से गणेश टेकड़ी मंदिर और उसके आसपास के परिसर में रहने वाले लोगों के साथ दिवाली उत्सव मनाया गया। इस संदर्भ में बताते हुए संस्था के अध्यक्ष देवेंद्र झाड़े ने कहा कि 24 लोग हैं जो गणेश टेकड़ी मंदिर और उसके आसपास के इलाके में रहते हैं। मी सारा बे गणेवर येथील अध्यक्ष आहे आणि आज दिवाळी उत्सव नागपूर शहरातील शहरी बेघर लोक लाभार्थ्यांसोबत साजरा करण्यात येत आहे आणि हा कार्यक्रम आम्ही सुनियोजित पद्धतीनं साजरा करण्यात ठरवलेलं आहे। ह्या कार्यक्रम करण्याचा मेन उद्देश म्हणजे आपण आपल्या घरी आपल्या कुटुंबासोबत, आपल्या नातेवाईकासोबत किंवा आपल्या सहपरिवारासोबत आपण दिवाळी साजरी करतोच, पण आमच्या जे शहरी बेघर आहेत, जे रस्त्यावर फुटपाथवर जे बेघर आहेत, त्यांच्यासोबत दिवाळी साजरी करून म्हणजे जो त्यांच्या जीवनातला अंधार आहे त्या जीवनातला अंधार थोडा कमी करून त्यांना प्रकाशाकडे जाण्यासाठी ओढण्यासाठी आमचा हा छोटासा एक प्रयत्न आहे आणि हा प्रयत्नानुसार त्यांना कुठेही असं भासू नये की आम्ही कुठे एकटे आहो, की आमच्यासोबत आमचा परिवार नाही, आमच्यासोबत आमचं कुटुंब नाही, शहरी बेघर हे आमचं कुटुंबच आहे आणि आमच्याकडे असे 24 शहरी बेघर राहतात गणेश टेकडी सहारा बेघर निवारा गणेश टेकडी रोड रेल्वे स्टेशन पुलाखाली। दिवाली सिर्फ अपने मित्रों और परिजनों के साथ ना मनाते हुए सहारा बहुउद्देशीय संस्था और परी फाउंडेशन द्वारा बेघरों के साथ मनाई गई दिवाली सचमुच एक सराहनीय पहल है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवा, BCN न्यूज़ नागपुर।